सो गाइज वेलकम टू योर चैनल रैसल वर्ल्ड। तो गाइज आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो इस एपिसोड में हम देखेंगे साल 2020 में रैंडी ऑर्टन की लाइफस्टाइल कैसी है, कौन सी कार से चलते हैं, उनके कैरियर के बारे में भी हम देखेंगे, कौन से पेट रखे हुए, कौन सी कार रखे, उनके हाउस कैसी है, ये सारी कुछ होगी रैंडी ऑर्टन के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस। तो गाइज अगर आप भी रैंडी ऑर्टन के फैन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो गाइज रैंडी ऑर्टन का रियल नाम रैंडी किथ ऑर्टन है और उनका जन्म 1 अप्रैल 1980 USA के अंदर हुआ था। वहीं उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो वह अभी शादीशुदा, उनकी वाइफ का नाम है किम ऑर्टन और उनके 5 चिल्ड्रन भी है। अगर जो वहीं पे बात की जाए उनके कैरियर के, तो उन्होंने WWE के अंदर अपना डेब्यू 2002 में किया था। अगर 2002 में डेब्यू करने के बाद वो काफ़ी बड़ी स्टार भी बन चुके हैं। अगर 2004 में आते आते तक उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत ली WWE के अंदर और वो यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन है WWE के हिस्ट्री के अंदर। फिर गए उन्होंने काफ़ी सारी बार WWE चैंपियनशिप, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती भी और WWE के अंदर अब 2020 आते आते हुए ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बन चुके हैं और वो 13 वर्ल्ड चैंपियन भी रहे हैं WWE के अंदर। और उन्होंने रेसलमेनिया के अंदर मेन इवेंट भी किया है जिसको देखने लगभग लाखों की संख्या में फैंस आते भी है और रैंडी ऑर्टन WWE के टॉप रेसलर्स में से भी एक है। सो गाइस जो ये बात करें साल 2020 में उनकी सैलरी की, तो वो WWE साल 2020 में लेते हैं $3 million। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो करीब निकल के आते हैं 22 के पास। वहीं पर उनके नेटवर्क की बात करें तो वो करीब $15 million की। अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो करीब निकल के आते हैं 111 के पास। वहीं पर उनके कार की बात करें तो उन्होंने अपने पास एक हमर H2 कार रखी हुई है जिनका फोटो अपने स्क्रीन पर आप देख भी सकते होंगे। वहीं पर उनके पेट की बात करें तो उनके पास एक पेट भी एक डॉगी है जिनका फोटो अपने स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते होंगे। वहीं रैंडी ऑर्टन घर की बात करें तो उनका भी फोटो भी आप देख रहे होंगे जो कि USA के अंदर में ही है। सो गाइस जब बात करें रैंडी ऑर्टन के अचीवमेंट की, तो वो WWE हिस्ट्री के अंदर यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन भी बने हैं। वो सिर्फ 22 साल की उम्र में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके थे। वो 14 WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी रहे। उन्होंने 1 यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप और 1 इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी जीती है और वो टैग टीम चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं और वो ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी है WWE के अंदर और उन्होंने 2 रॉयल नंबर भी जीती है और उन्होंने WWE के काफ़ी सारे बड़े लेजेंड्स को भी हराया है। और रैंडी ऑर्टन फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर भी है, ये बात कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए। सो गाइस यही थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।